नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। बदायूं में पुलिस द्वारा चेकिंग और पैदल गश्त करने के बाद एक व्यक्ति की गाड़ी चेक करना पुलिस को महंगा पड़ गया। बाइक चेकिंग के विरोध में व्यक्ति ने अपने लोगों के साथ मिलकर जाम लगा दिया। जाम खुलवाने लगी पुलिस पर लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। वहीं पुलिस द्वारा उग्र होती भीड़ को दिखाड़ने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। घटना के बाद SSP द्वारा PSC और कई थाने की पुलिस फोर्स सहित SPCD को लगाया गया है। दरअसल ये पूरा मामला है आलापुर थाना क्षेत्र के कस्बा ककराला का है, जहां शाम को करीब 7 बजे सूर्यदातागंज आलापुर थानाध्यक्ष अपनी पुलिस टीम के साथ पैदल गश्त पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान कस्बा ककराला के रहने वाले व्यक्ति की पुलिस टीम ने बाइक रोकी, कागजात मांगे। पुलिस द्वारा बाइक चेकिंग करने से वो नाराज हो गया और कस्बे के अन्य लोगों को एकत्र कर लाया और रोड जाम कर बाइक चेकिंग का विरोध करने लगा। इस दौरान पुलिस और भीड़ के बीच कहासुनी हो गई, जिससे बौखलाए लोगों ने पुलिस फोर्स पर पथराव शुरू कर दिया। मामले में SSP OP सिंह बदायूं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रतिदिन शाम को पैदल गश्त और उसके बाद संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग होती है। आज का ककराला में भी क्षेत्राधिकारी दातागंज के नेतृत्व में इंस्पेक्टर आलापुर और क्षेत्राधिकारी दातागंज ने पैदल गश्त की और उसके बाद गाड़ियों की चेकिंग विभिन्न स्थानों पर शुरू की। इस चेकिंग में एक गाड़ी रोकी गई तो उसने पुलिस पार्टी से विरोध किया कि चेकिंग क्यों कर रहे हो। तो इन लोगों ने कहा, चेकिंग का कारण बताया कि हम लोग शाम को संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग करते हैं। इस पर वो पुलिस वालों से भिड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसको समझा बुझा करके वहाँ की पुलिस फोर्स ने उसके घर वापस भेज दिया। इसके बाद उसने स्थानीय अपने घर की महिलाओं और अन्य लोगों को बरगला करके यहाँ पे चौराहे पे अपने एक भाई जिसको मिर्गी आती है उसको ला करके यहाँ पे लेटा दिया। वो चेकिंग में नहीं था, उसकी चेकिंग भी नहीं हुई थी और यहाँ पे कानून व्यवस्था खराब करने का प्रयास किया, रोड पे जाम कर दिया। पुलिस बल ने आकर के मौके पे समझाया, लेकिन उसी दौरान जब इन लोगों से वार्ता की जा रही थी, इनको समझाया जा रहा था, इन लोगों ने पुलिस बल पर पथराव शुरू कर दिया। इस पर क्षेत्राधिकारी दातागंज की गाड़ी और इंस्पेक्टर हजरतगंज की गाड़ी टूट गई है, डैमेज हुई है, कई पुलिस वालों के पत्थर लगे हैं। इसके बाद पुलिस ने जनपद से अन्य पुलिस बल SPCT और COCT आदि मौके पे आए और लोगों को तितर बितर करके उनके घरों में वापस भेजा गया है। मौके पे कानून एवं व्यवस्था की स्थिति शांति बनी हुई है और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे इन लोगों ने पत्थर फेंके हैं और वहाँ CCTV फुटेज लगे हैं, थाना आलापुर में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। CCTV फुटेज को देख करके जिन लोगों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया है उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में यहाँ पे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।